Excel.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं तो वह ऑर्डर किस डेट से इफ़ेक्टिव होगा। हमने GST के रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर दिया है लेकिन अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। हम इनवाइसेस को रेज कर रहे हैं बिना GST चार्ज किए हुए, इसका हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इसके लिए आपको रूल 20 को रेफ़र करना होगा, CGST रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि आप GST की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो जिस दिन आप GST की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं उस दिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट्स का, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स, उसके बारे में आपको जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके लिए आपको GST REG 16 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फाइल करना है। इसके साथ ही आप रूल 22 को भी रेफ़र कर सकते हैं, CGST रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि GST ऑफिसर आपकी GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है तो उसके लिए उसे, जब आपने GST की रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, उसके 30 दिन के अंदर उसे ऑर्डर पास करना है GST REG 19, और उस ऑर्डर में वह लिखेगा कि आपकी GST की रजिस्ट्रेशन को किस दिन से कैंसिल किया जा रहा है। इसके साथ ही आप सेक्शन 29 को भी रेफ़र कर सकते हैं, CGST एक्ट 2017 के, जहाँ पे कि सब सेक्शन 2 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वे आपकी GST की रजिस्ट्रेशन को बैक डेट से भी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिल कर सकता है। इस प्रकार इस केस में GST की रजिस्ट्रेशन उस दिन से कैंसिल हुई मानी जाएगी जो कि प्रॉपर ऑफिसर डिटर्मिन करेगा और अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगा। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।